हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फिनेंशियल शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी रिसेंटली मैंने दो वीडियो अपलोड करी है, यहाँ पर आप नीचे जाएंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एक IRCTC से रिलेटेड है, शेयर कंटिन्यूसली गिर रहा है तो कब तक गिर सकता है और अच्छी न्यूज़ क्या है उससे रिलेटेड भी मैंने बात करी है। एज वेल एज बात करें, एक और कंपनी है जिसने 365 रुपये का आपको डिविडेंड दिया है, तो उस कंपनी के बारे में जान लीजिए। काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो ये दोनों डिस्क्रिप्शन आपको नीचे वीडियो में आप हमारी वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। एज वेल एज आई बटन पर भी मैं आपको इन दोनों का लिंक दे दूंगा, तो आई बटन पर भी जाके देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक कंपनी से रिलेटेड जिसने आपको दोबारा स्प्लिट दिया। आपने सुना है कि काफ़ी सारी कंपनी ने आपको अच्छे खासी स्प्लिट देते हुए नज़र आई है पिछले 1 से 2 महीने में, तो ये कंपनी ने भी आपको स्प्लिट दिया है। किस डेट पे हम खरीदेंगे तो हमें स्प्लिट का फ़ायदा हो जाएगा, क्या हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या बिजनेस कर दिया, क्या फाइनेंशियल्स है, वो सभी इस कंपनी से रिलेटेड जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अच्छी खासी नॉलेज आपको मिलने वाली है। और सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और भी लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अगर आप पहली बार आए हैं, और दूसरे लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि पैसा कमाना अकेले अकेले कमाने से अच्छा है कि आप दूसरों को भी साथ में लीजिए। ओके, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, तो इसलिए दूसरों को भी हमारा चैनल सजेस्ट करिए ताकि वो वीडियो को देखे और शेयर बाजार से रिलेटेड जो उनके मिथ है वो दूर हो जाए, एज वेल एज शेयर बाजार में किस तरीके से पैसा कमाते हैं वो भी लोग नॉलेज ले सके, और हम दोनों हम सब एक साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहे। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए हैं, अगर आपका ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट नहीं है यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में अपना अकाउंट ओपन करिए। एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है, श्री राम जी के अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आपको पता ही है, यहाँ पर क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पर जाएगा, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी दान दे सके, एक पुण्य काम में मदद कर सके करिए। ओके, इस तरीके से काम करने में ऊपर वाला हमेशा मदद करता है, दान देना सबसे बड़ा दान होता है। एज वेल एज जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना, 15 तारीख को यहाँ पर एक्स डेट है और स्प्लिट की न्यूज़ आई है। कौन सा शेयर है मैं आपको रिवील कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेस वैल्यू ऑफ स्प्लिट, मतलब अगर बात करें 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 2 रुपये की चेंज हो जाएगी, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो वो 5 में तब्दील हो जाएगा, 5 शेयर है तो वो 25 में तब्दील हो जाएंगे, 100 शेयर है वो 500 में तब्दील हो जाएंगे। तो ये कौन सी कंपनी है उससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। एज वेल एज बात करें इसका चार्ट पैटर्न, सबसे पहले देखिए सबसे पहला रूल होता है कि चार्ट पैटर्न को हमेशा देखना होता है। क्यों? क्योंकि चार्ट पैटर्न देख के हमें अंदाजा आ जाता है कि कंपनी का बिहेवियर क्या है, कंपनी गिरती है तो किस तरीके से गिरती है, कंपनी भागती है तो क्या भागती है, और कंपनी में क्या हम लास्ट तक बने रह सकते हैं, क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए चार्ट पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात करें तो यह कंपनी कभी 7 रुपये की हुआ करती थी, उसके बाद यहां पर गिरावट चलना बढ़ना वो तो कंपनी में लगा ही रहता है। ओके, बट बिहेवियर क्या है, नीचे से ऊपर जा रही है कंपनी की नहीं जा रही, तो हम इसमें देखिए कंपनी को अच्छा खासा मार्क्स देना चाहूंगा। ओके, अच्छे खासे इसने ऊपर ऊपर जाता हुआ मैं चार्ट पैटर्न देख रहा है, बट बीच में अच्छी खासी गिरावट भी हुई है। 2017 में देखे तो यहाँ गिरावट हुई है, फिर 2000 यहाँ पर 19 में देखे तो अच्छी खासी गिरावट हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पर अच्छा खासा हमें बढ़ता हुआ नजर आया है, और कुछ स्कीम है PLI स्कीम वगैरह, तो उसका ही फायदा शायद इस कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। 5 ईयर्स में भी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, 1 ईयर में भी आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे रिटर्न ये कंपनी देती हुई दे रही है। एज वेल एज बात करें स्प्लिट की, तो कंपनी ने स्प्लिट भी अनाउंस किया है। तो अगर हम बात करते हैं इस कंपनी में और भी सारी चीजों की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी की अगर लोएस्ट की वैल्यू की बात करें, अगर 52 वीक लो की, तो 7 मई 2020 को 356 रुपये का शेयर था, और 52 वीक हाई की बात करें 4 फेब को 695, लगभग 700 रुपये के शेयर यहाँ पर गया है। और बात करें यहाँ डिलीवरी बेसिस पे, तो लगभग 49% की डिलीवरी बेसिस पे 112,354 शेयर हम उठाते हुए यहाँ पर मिल रहे हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर का 52%, बाकी FIS, DIS और पब्लिक यहाँ पर देखा जाए, NIS का देखा जाए तो यहाँ पर लगभग 47% की होल्डिंग है, और कंपनी डिविडेंड भी देती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने 2018 में डिविडेंड दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, 20 में दिया, तो हर बार कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड दिया है। MRF जैसी कंपनी जिसका शेयर 1 लाख रुपये के आसपास है, 80-90 हज़ार के आसपास है, वो 3 रुपये का डिविडेंड देती है। बट अगर बात करें यहाँ पर ये 600 रुपये का शेयर है,
ये कितने का, 10 रुपये का डिविडेंड देती है, तो आप इस चीज़ को भी देख सकते हैं, तो डिविडेंड के मामले में अच्छी है। और गिरवी की बात करें तो इस कंपनी ने ना के बराबर शेयर, अगर बात करें 0.02% के शेयर ही यहाँ पर गिरवी रख रखे है। और बात करें कंपनी क्या है, कौन सी कंपनी है, तो इस कंपनी के बारे में बता देता हूँ। तो कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। अब करती क्या है कंपनी, तो सबसे पहले उसकी कंपनी के वेबसाइट पर चलते हैं, तो यहाँ वेबसाइट है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पाइप्स, तो ये पाइप से रिलेटेड कंपनी काम करती है, ये फिटिंग्स के पाइप्स होते हैं, एज वेल एज बात करें प्लम्बिंग और सैनिटेशन से रिलेटेड पाइप होते हैं, एग्रीकल्चर जो पाइप होते हैं, तो ये कंपनी इस चीज़ में आपको काम करती हुई मिलेगी। तो अच्छा खासा हमें कंपनी नज़र आ रही है। ओके, अगर बात करें एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस है, केजिंग पाइप्स, ओके कॉलम पाइप्स, घरों में भी इसका लगता हुआ नज़र आता है, सॉल्वेंट सीमेंट से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, जो हमारी वॉशरूम वगैरह में पाइप्स लगते हैं, ओके सीवरेज कहते हैं जिसे, वो पाइप्स यहाँ पे काम करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल और जिस तरीके के प्रोडक्ट्स है अच्छा खासा नज़र आ रहा है, तो ये कंपनी की प्रॉमिसिंग हमें नज़र आ रही है। एज वेल एज कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो देखिए स्मॉल कैप कंपनी हमें नज़र आ रही है, मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप, तो इसमें पहले ही एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कंपनी अगर गिरेगी तो अच्छी खासी गिरती हुई नज़र आएगी, और भागेगी तो अच्छे खासे रिटर्न भी देते हुए नज़र आएगी, जो कि हम इसके चार्ट पैटर्न से देख सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ट पैटर्न जो हम निकालते हैं। तो कंपनी देखिए 2017 में किस तरीके से गिरी थी, कि ये 700 रुपये का शेयर 400 450 500 रुपये पे आता हुआ हमें दिखाई दिया था। अगर बात करें यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू की, 251 का इंट्रेंसिक वैल्यू है। बात करें डेट इक्विटी थी कि, तो हाँ कंपनी के पास डेट भी यहाँ पर है, ROCE भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट हाँ अच्छा खासा है, 16% का बैंक की FD से ज़्यादा आपको रिटर्न यहाँ पर मिल जाएंगे। सेल्स की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती आ रही है, इस बार दिसंबर में इन्होंने 1067 करोड़ रुपये की सेल्स करी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 347 करोड़ रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जो कि हर साल में सबसे ज़्यादा यहाँ पर अभी होता हुआ नज़र आया है क्वार्टरली बेसिस पे। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें 256 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जो कि सबसे ज्यादा है। अगर ईयरली बेसिस पे ही बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी तक 12 महीने में लगभग 3,000 करोड़ की यहां पर सेल्स हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है इस बार का 684, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट देखिए, जब हम कंपनी 10 साल पहले माइनस में चलती थी, ओके घाटे में चलती थी, वहां पर अभी देखिए कंपनी ने प्रॉफिट करना शुरू कर दिया, और अच्छा खासा प्रॉफिट 486 करोड़ रुपए का प्रॉफिट भी है। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें तो 2100 करोड़ के आसपास यहाँ पर रिजर्व्स, बोरोइंग की बात करें 243 करोड़ रुपए की यहाँ पर बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 933 मतलब लगभग 933 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, और कैश की बात करें तो 383 करोड़ रुपए का कैश है, जो कि बढ़ते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो कंपनी इज मेकिंग प्रॉफिट, कंपनी इज मेकिंग बिजनेस, तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा। और इस तरीके का जब हम होता है ना कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती है, तो ऐसी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अगर बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 52% की है, ओके अगर बात करें यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी लोगों की हिस्सेदारी यहाँ पर नज़र आ रही है। एज वेल एज बात करें यहाँ पर FIIs, तो FIIs के पास भी ये हिस्सेदारी है, और जो कि बढ़ती हुई 2.28%, DIS की बात करें तो 12.89%, पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 32% के शेयर हमें नजर आ रहे हैं, बट 32% में भी इन लोगों के पास लगभग 3-4% की हिस्सेदारी है, तो 28% तक कह सकते हैं कि यहाँ पर हिस्सेदारी पब्लिक की यहाँ पर है, तो पब्लिक भी अच्छा खासा यहाँ पर होल्ड करती है इस कंपनी के शेयर की। अगर चार्ट पैटर्न की यहाँ पर टेक्निकल्स की कुछ बात कर ले, तो देखिए यहाँ पर 2-3 पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला पैटर्न अगर मैं बात करूं तो मुझे जो नज़र आ रहा है कप विल हैंडल पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जब भी जाता है और ये इस तरीके से एक कप बनाता है, ये कप बन रहा है ओके, और इस तरीके से फिर नीचे जाते हुए एक हैंडल बनाता है, तो इस तरीके के जो चार्ट पैटर्न बनते हैं तो वो बहुत ऊपर तक जाते हैं और अच्छा खासा लेवल बनता हुआ नज़र आता है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर लेता है 675, ये जो अभी चल रहा है लगभग 665-75 तक ही आ जाता है, तो मुझे है कि यहां से एक अच्छी खासी रैली आएगी, और कितनी रैली आएगी तो आपको बताना चाहता हूं, जितनी इस लेवल से इस लेवल तक है ना, तो ऊपर और बढ़ा लीजिएगा तो अच्छा खासा आपका पैसा बनता हुआ हमें नजर आएगा। तो अगर बात करें तो 65 रुपीज में और उसमें 75 रुपीज और ऐड कर दिया जाएगा, तो लगभग 750 रुपए तक ये शेयर जाने की पूरी वो रखता है ओके, तो इस चीज को हमेशा याद रखना, अच्छा खासा यहां पर लेवल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर बाय ऑन डिप्स करने का ये मौका मिलता है कंपनी में, आप बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इस
कंपनी से रिलेटेड बातें थी, तो कंपनी का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। तो फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लीजिए, खुद की स्टडी करिए। ये मेरी स्टडी थी तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बाकी कोई भी मेरी राय बाई और सेल की रिकमेंडेशन है नहीं। ओके, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंस शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और भी लोगों तक फैलाइए ताकि उन्हें भी इस तरीके की नॉलेज मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।